तो यहाँ पे ये लटपट वाला चिकन खाने के लिए कौन से लोग आते हैं भैया? भैया यहाँ पे क्योंकि हमारा लोकेशन कोर्ट मोड़ के पास है, तो यहाँ पे ज्यादा पुलिस वाले और कोर्ट से लोग आते हैं, जैसे वकील लोग, क्लाइंट वगैरह होंगे, जज लोग, सारे लोग आते हैं। सारे लोग आते हैं, सारे लोग वाले, दरोगा लोग भी, सारे लोग आते खाने के लिए। क्या बात है। एक बोर्ड तैयार किया, पेट भर मुर्गा भात। अच्छा, पेट भर मुर्गा। हाँ, तो सारे लोग हंसने लगे। अच्छा, सारे लोग हंसने लगे। हमको भी थोड़ा सा लगा कि चलो यार क्या बोलेंगे लोग, तो सारे लोग बोले, हंसने लगे, बोर्ड देख के ही सब हंसने लगे, लेकिन सबको इंटरेस्ट आने लगे। पेट भर मुर्गा भात सच में खिलाता है। लोग आए यहाँ पे खाने लगे, सच में उनको टेस्ट मिला और उस हिसाब से फिर मेरा जम होटल अच्छा चल रहा है। अच्छा चलने लगा। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारे चिकन को काफी अच्छी तरह से यहाँ पे भून लिया गया है, और कलर देख सकते हो भाई साहब। और यहाँ का देख सकते हो जो ग्रेवी है ना, एकदम लटपट सा आपको एकदम गाढ़ा सा ग्रेवी मिलेगा। ये एरिया में नहीं, ये रामगढ़ जिला में, ये मेरा पहला मतलब ये पहला ढाबा है जहाँ पे 50 रुपए में अनलिमिटेड खिलाया जाता है। 50 रुपए में अनलिमिटेड खिलाया जाता है। चावल कस्टमर ज्यादा है, बचता का मैं, अब मेरा कहना ये है ना कि एक आदमी से 10 रुपए कमाने से अच्छा है 10 आदमी से 2-2 रुपए कमाओ, एक नंबर। तो इसमें क्या है, लोगों का भी फायदा होता है, हम लोग का भी फायदा होता है, कस्टमर भी ज्यादा। हाँ, यहाँ पे नमस्ते जोहार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं रामगढ़ जिले के मोस्ट फेमस महतो होटल, जहाँ पे सिर्फ 50 रुपए में अनलिमिटेड चिकन चावल खिलाया जाता है। तो आपने सही सुना, यहाँ पे सिर्फ 50 रुपए में आपको अनलिमिटेड चिकन चावल खिलाया जाता है, जिसे खाने के लिए हमेशा लोगों का भीड़ लगा रहता है। और यहाँ पे आज भी बिल्कुल देसी अंदाज में सारे चीजों को मिट्टी के चूल्हे पे कोयले की आग से बनाया जाता है, और यहाँ पे जो सारे मसाले हैं उसे आज भी 50 साल पुराने स्टाइल में सिलबट्टे पे तैयार किया जाता है। मतलब जितने भी मसाले इस चिकन में पड़ता है, मछली में पड़ता है, सारे मसालों को सिलबट्टे पे ही तैयार किया जाता है, जिससे कि इन खानों का स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो चलिए देर नहीं करते, अंदर चलते हैं और यहाँ पे देसी स्टाइल में चिकन को कैसे रेडी किया जाता है उसकी आपको पूरी मेकिंग दिखाते हैं और उसे खा के बताते हैं। तो आइए मेरे साथ। तो ये हमारा चिकन बनाने का प्रोसेस चालू हो गया है। सबसे पहले तेल डालेंगे, सरसों का तेल है ये, ये सरसों का तेल है, प्योर सरसों का तेल है। तो तेल गरम पूरा हो चुका है और अब हम डालने जा रहे हैं फोरन। ये तेज पत्ता है, ये तेज पत्ता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जीरा, और ये है जीरा। के बाद क्या डालेगा भैया? जीरा के बाद हम सीधा डालेंगे प्याज। प्याज तो यहाँ पे हमारा कितना केजी प्याज आ चुका है? ये क्योंकि 5 केजी चिकन है, तो 5 केजी के हिसाब से ग्रेवी ज्यादा बनाना पड़ता है, तो ये हमारा 3.5 केजी प्याज। तो यहाँ हमारा प्याज डल चुका है कढ़ाई में, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके भुना जा रहा है। तो भैया लगभग कितना देर तक भुनेंगे प्याज को? अभी ये पूरा लाल करेंगे, पूरा जब तक गलेगा नहीं, क्योंकि मेन बेस है प्याज। मेन बेस है प्याज, प्याज और मेन मसाला। अच्छे तरीके से ये भून जाएगा तो चिकन का स्वाद आएगा। अभी ये जब तक भूंजेगा गलेगा तब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं, मसाला पीस लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन और मिर्चा आ चुका है। यहाँ आज भी बिल्कुल देसी अंदाज में सारे चीजों को सिलबट्टे पे ही पीसा जाता है, मिक्सी का यूज नहीं किया जाता है। जितने भी सारे मसाले हैं, सारे मसालों को यहाँ पे सिलबट्टे पे ही तैयार किया जाता है, ये देखो, जिससे कि यहाँ के खानों का स्वाद और भी बढ़ जाता है। भैया और इस प्याज को कितना देर तक भूनेंगे? अभी भैया इसमें समय लगेगा, क्योंकि प्याज मेन है, इसको अभी पूरा लाल करेंगे। अभी लाल नहीं हुआ है, पूरा लाल होकर तेल छोड़ देगा। इसके बाद मसाला को भूंजेंगे और उसको भी अच्छे तरीके से पकाएंगे। उसके बाद चिकन डालेगा? उसके बाद चिकन डालेंगे, क्योंकि मेन है मसाला और प्याज। ये अच्छे से पक जाने के बाद तेल अगर छोड़ देता समझिए मसाला पक गया, उसके बाद चिकन पकने में टाइम नहीं लगेगा और अच्छे से पकेगा। पानी डाल डाल के पकाना नहीं है, सिर्फ तेल और इसका जो मेन ग्रेवी है उसके साथ पकाना, भूंज भूंज के पकाना पूरा अच्छे तरीके से, तभी टेस्ट आएगा भैया। अब ये प्याज पूरे अच्छे तरीके से भून गया है, अच्छे तरीके से पूरा लाल हो चुका है। अब डालेंगे लहसुन मिर्चा और अदरक का पेस्ट, लहसुन मिर्चा अदरक का पेस्ट, और अब इसको अब हमारा मसाला और प्याज दोनों अच्छे तरीके से भून चुका है। अच्छा, और अब चिकन चिकन डालने के लिए जा रहे हैं। चिकन? हाँ चिकन। कितना केजी चिकन है भैया? टोटल 5 केजी चिकन है। 5 केजी चिकन, 5 केजी चिकन है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चिकन आ चुका है और चिकन यहाँ पे हमारे मसाले में डाला जा रहा है। तो हमारा यहाँ पे सारा मसाला भून चुका है, उसके ऊपर से यहाँ पे चिकन डाला जा रहा है, उसके बाद इसे मिक्स किया जाएगा और लगभग आधे से 1 घंटे तक इसे अच्छी तरह से भुना जाएगा। जो डालने जा रहे हैं वो फाइनल मसाला डालने जा रहे हैं। फाइनल मसाला है? अच्छा, तो फाइनल मसाला में क्या क्या डल रहा है भैया? पहले तो हल्दी डालेंगे, पहले हल्दी नहीं डालते क्योंकि जलने लगता है ना। अच्छा, पहले हम लोग को पकाना होता है, अब हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद नेक्स्ट क्या डालेगा? हल्दी का पाउडर है।
तो यहाँ पे चिकन बनाने का प्रोसेस एकदम और जगह से बिल्कुल अलग है ना। यहाँ पे चिकन डाला, उसके ऊपर से ही सारे मसाले डाल दिए गए हैं और उसे कश्मीरी मिर्च जाएगा कलर के लिए डालते हैं ये। हाँ, ये कश्मीरी कलर और टेस्ट दोनों के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे सारे मसाले डालने के बाद इसके ऊपर से चिकन डाला गया है और चिकन को अच्छी तरह से यहाँ पे भुना जा रहा है। और ये यहाँ पे भैया हैं जो कि यहाँ पे चिकन को बना रहे हैं। तो भैया सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम अनिल है। अनिल है जी। और ये होटल कितना पुराना है, कितने सालों से चला रहे हैं? हाँ, ये एरिया में नहीं, ये रामगढ़ जिला में। अच्छा। ये मेरा पहला मतलब ये पहला ढाबा है जहाँ पे 50 रुपए में अनलिमिटेड खिलाया जाता है। 50 रुपए में अनलिमिटेड खिलाया जाता है, चावल 2 पीस। अच्छा। चिकन और चावल अनलिमिटेड, ग्रेवी जितना मर्जी उतना खा सकते। हाँ, चावल जितना लेना वो ले सकते हैं, ग्रेवी मिलेगा साथ में और 2 पीस चिकन रहता है। पूरा रामगढ़ में पहला ढाबा ये है। रामगढ़ में पहला है और अभी भी मेरा चल रहा है। बाकी लोग का भी चल रहा है लेकिन बाकी लोग चला नहीं पाए क्योंकि मेरा क्या है कि कस्टमर ज्यादा है, बचता कम है। मेरा कहना ये है ना कि एक आदमी से 10 रुपए कमाने से अच्छा है 10 आदमी से 2-2 रुपया कमाओ। एक नंबर। तो इसमें क्या है, लोगों का भी फायदा होता है, हम लोग का भी फायदा होता है, कस्टमर भी ज्यादा। हाँ, यहाँ पे ज्यादातर लोग जो लेबर क्लास के हैं, कोर्ट है सामने तो वहाँ से वकील लोग आते हैं, ऑफिशियल लोग आते हैं खाने के लिए, टेस्ट क्योंकि टेस्टी बनता है। और पुलिस लाइन से लोग आते हैं खाने के लिए ज्यादातर। पुलिस वाले भी आते हैं? हाँ जी भैया, पुलिस वाले भी आते हैं। हाँ, पुलिस वाले भी आते हैं। अच्छा। और भैया यहाँ का एक बार एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया, लोग कैसे आएंगे, एड्रेस क्या है? यहाँ का लोकेशन है सिविल कोर्ट, 76 मांडू, मेन रोड, गोला रोड। अच्छा, इसको कोर्ट मोड़ भी लोग बोलते हैं। कोर्ट मोड़ बोलते हैं, कोर्ट ये सामने कोर्ट मोड़ है, कोर्ट मोड़ के जस्ट सामने। आपके होटल का नाम क्या है? महतो होटल। हाँ, महतो भोजनालय। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ 50 रुपए में अनलिमिटेड। हाँ, अनलिमिटेड खिलाते हैं। वाह, क्या बात। लोग क्या ना कि मेन क्या है कि टेस्ट के साथ साथ क्वांटिटी भी देते हैं। तो टेस्ट के लिए हम लोग ऐसा नहीं मिक्सर में पीसते मसाला, हम लोग सिलवट पे ऑर्गेनिक तरीके से मसाला पीसते हैं। क्योंकि एक अलग, आप मिक्सर में पीसेंगे उसका बनाएंगे उसका एक अलग टेस्ट होता है, और सिलवट पे पीसते हैं उसका एक अलग टेस्ट होता है। हम लोग कोशिश करते हैं ज्यादा ज्यादा हमेशा हम लोग सिलवट पे ही पीसते हैं और इसको अच्छे तरीके से भूनते हैं, पानी नहीं डालेंगे अभी, जब तक तेल ना छोड़े तब तक। वाह। और लास्ट में डालेंगे हम लोग गरम मसाला। तो भैया कैसे आपने सोचा कि आपको यहाँ पे होटल खोलना चाहिए, अनलिमिटेड मुर्गा भात? हाँ, तो ऑलरेडी हम 3 साल ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट में काम कर चुके हैं, अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट, बारबेक्यू नेशन। हाँ, रांची में हम दिल्ली में करते थे, रांची में भी उसका एक आउटलेट है। तो वहाँ 3 साल के, तो सोचे ये तो बड़े पैमाने पे कॉस्टली ज्यादा, क्यों ना हम अपने गांव में एक छोटे लेवल पर करें जो सबको मतलब वो लाभ मिले, अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट सबको मिले। तो यहाँ पे आए और हम एक बोर्ड तैयार किए, पेट भर मुर्गा भात। अच्छा, पेट भर मुर्गा। हाँ, तो सारे लोग हंसने लगे। अच्छा, सारे लोग हंसने लगे, हमको भी थोड़ा सा लगा कि चलो यार क्या बोलेंगे लोग। तो सारे लोग बोले, हंसने लगे, बोर्ड देख के ही सब हंसने लगे, लेकिन सबको इंटरेस्ट आने लगे, पेट भर मुर्गा भात सच में खिलाता है। लोग आए यहाँ पे खाने लगे, सच में उनको टेस्ट मिला और उस हिसाब से फिर मेरा जब होटल अच्छा चल रहा है। अच्छा चलने लगा। तो भैया आपने ये जो होटल खोला तो आपके दोस्त यार लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, वो लोग सपोर्ट कर रहे थे? हाँ, दोस्त लोग तो सपोर्ट कर रहे थे लेकिन थोड़ा हंस रहे थे, यार इतना पढ़ लिख के होटल कर रहे हो, मुर्गा बात कर रहे हो, खास करके बोर्ड देखने बाद बहुत हंस रहे थे, कॉमेंट कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे वो लोग, चलो यार तुम जो कुछ तो कर रहे, अपना इंडिपेंडेंट हो गया। तो वही लोग अभी तारीफ कर रहे होंगे आपके सक्सेस होने के बाद। तारीफ करते आते हैं, खाने के लिए आते हैं, खाने भी आते हैं। हाँ, खाते हैं, खिलाते हैं, पैसा भी देते हैं। वाह, क्या बात है। हाँ, ये 8 टाइम का चिकन है, 2 बजे के बाद फिर से एक बार बनेगा चिकन। अच्छा, मतलब एकदम लोगों को ताजा ताजा खिलाते हैं? ताजा ताजा, गर्मी का मौसम है ना तो थोड़ा खराब होने का भी डर रहता है, हम चाहते हैं कि ताजा ताजा बने, 2 बार 2 स्लॉट में बनता है, एक बार में बनाना सही नहीं रहता है। तो लोगों को यहाँ पे जो भी खिलाते हैं ताजी और फ्रेश। हाँ, ताजा और फ्रेश एक ही बार में पूरा। चावल अभी देख, चावल बन के रेडी है, फिर अभी चावल चढ़ा हुआ, मतलब तो थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं जाके टेस्टी बने। हाँ, तो यहाँ पे बार बार ढक्कन को क्यों ढकते हैं भैया? ताकि अच्छे से पके। अच्छे से पके। हाँ। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे चिकन में काफी अच्छी तरह से कलर आ चुका है और काफी अच्छी खुशबू आ रही है, धीमी धीमी आज पे इसे पकाया जा रहा है और भैया जो है काफी हार्ड वर्किंग है और बहुत ही अच्छी तरह से इस चिकन को भून रहे हैं। और चिकन का यहाँ पे कलर देख सकते हो भाई साहब, एकदम रेड कलर हो चुका है हमारा यहाँ पे चिकन का, काफी धीमी धीमी आज पे इसे पकाया जा रहा है, सारे मसालों को अच्छी तरह से भूना जा रहा है। तो यहाँ पे ये लटपट वाला चिकन खाने के लिए कौन से लोग आते हैं भैया?
भैया यहाँ पे क्योंकि हमारा लोकेशन कोर्ट मोड़ के पास है, तो यहाँ पे ज्यादा पुलिस वाले और कोर्ट से लोग आते हैं, जैसे वकील लोग, क्लाइंट वगैरह होंगे, जज लोग, सारे लोग आते हैं, सारे लोग आते हैं, सारे लोग वाले, दरोगा लोग भी, सारे लोग आते खाने के लिए। क्या बात है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे चिकन को ना एकदम बिल्कुल धीमी धीमी आग पे यहाँ पे भुना जा रहा है, और चिकन का कलर देख सकते हो भाई एकदम लाल करके इसे भुना जा रहा है, और चिकन से ना काफी अच्छी खुशबू आ रही है चिकन वाली। तो यहाँ पे हमारा सारा मसाला डल चुका है भैया चिकन में, सारा मसाला डल चुका है, सिर्फ एक गरम मसाला डालेंगे, वो लास्ट में डाल, लास्ट में डालेंगे। और यहाँ पे हमारे चिकन को बनने में कितना टाइम लगेगा? अभी और 10 से 15 मिनट समय लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा। तो ऐसा आप क्या खिला देते भैया जो यहाँ पे लोगों का भीड़ लगा रहता है यहाँ के चिकन चावल को खाने? प्रेम से बनाते हैं, और क्या, प्रेम से बनाते, दिल से बनाते, कोई भी चीज को दिल से बनाएंगे तो अच्छे से बनता है। बाकी मसाला तो खैर है, अभी हमारा चिकन लगभग लगभग पक चुका है, 10 मिनट और लगेगा, और ये 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट और लगेगा, और ये हमारा लास्ट लास्ट मसाला जा रहा है, गरम मसाला, जो कि हमने ऑलरेडी सिलवट पे इसको भी पीसे हैं, इसको भी सिलवट्टे पे पीस के रखे हैं। हाँ, और ये लास्ट है गरम मसाला, इसके बाद अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा लास्ट और फाइनल जो मसाला है, यहाँ पे गरम मसाला आ चुका है। तो लास्ट में गरम मसाले का क्या काम है? लास्ट में इसलिए डालते हैं क्योंकि पहले डालेंगे तो इसका सेंट और फ्लेवर उड़ जाता है। अच्छा, इसे लास्ट में डालते ताकि बरकरार रहे लास्ट तक। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे सारे मसालों को डाल के और अच्छी तरह से भुना जाता है। तो अगर आप भी रामगढ़ से हो या कभी रामगढ़ आते हो तो एक बार यहाँ के चिकन चावल को जरूर ट्राई करना। और भैया देख सकते हो काफी हार्डवर्किंग भैया है, बड़े ही मेहनत से यहाँ पे सारी चीजों को बनाते हैं, प्रेम से बना रहे हैं, प्रेम से बनाते हैं, आप प्रेम से बना रहे भैया। चलिए, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारे चिकन को काफी अच्छी तरह से यहाँ पे भून लिया गया, और कलर देख सकते हो भाई साहब, और जो ग्रेवी है ना, एक बार और चलाइए, और यहाँ का देख सकते हो जो ग्रेवी है ना एकदम लटपट सा, आपको एकदम गाढ़ा सा ग्रेवी मिलेगा, और चिकन से काफी अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये खुशबू तो आपको आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि वीडियो में तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस चिकन से। और दोस्तों इधर देख सकते हो, इधर हमारा अभी चिकन बन रहा है, अभी चूल्हे पे ही चढ़ा हुआ है, और अभी से यहाँ पे लोग आने स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ के चिकन चावल को खाने के लिए। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पे भैया का चिकन बनेगा और लोग खाएंगे। क्या ऐसा खिलाते हैं भैया जो लोगों का एकदम पहले ही चिकन बनने के पहले ही भीड़ आ जाता है? अपना प्यार खिलाते हैं भैया, प्यार से खिलाते हैं। चिकन अब फाइनल हो चुका है, और ये लास्ट में हम लोग डालेंगे कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी, हाँ, लास्ट में क्यों डाला जाता है भैया? फिर टेस्ट बढ़ जाता है, टेस्ट बढ़ाने के लिए कस्तूरी मेथी या धनिया पत्ता। तो अभी हम लोग कस्तूरी मेथी डाल दे रहे हैं, और ये फाइनल हो चुका है, अब इसको उतारने जा रहे हैं। दोस्तों इस जगह की लोकेशन की बात करें तो ये है महतो होटल भोजनालय, और बगल में यहाँ पे देख सकते हो रामगढ़ का कोर्ट है, तो इस जगह को कोर्ट मोड़ बोलते हैं। उसी के बगल में यहाँ पे आपको महतो होटल मिल जाएगा, और ये जो रोड है ये आपको डायरेक्ट रामगढ़ की ओर चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भैया लोग यहाँ पे खा रहे हैं। तो भैया आप यहाँ पे कब से खा रहे हैं? 6 महीने से। 6 महीने से कंटिन्यू। टेस्ट कैसा है यहाँ का? बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट है, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन्हें आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। यह तो बोलता है सबको मौका मिले तो सबको आना चाहिए। वाह। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे हमारा 50 रुपए वाला चिकन चावल लग चुका है, और आप यहाँ पे हमारे सामने देख सकते हैं ये जो हमारे चावल है पूरा हमारा बड़ा सा यहाँ पे थाली में चावल को भर दिया गया। भुंजिया मिल जाएगा आपको, यहाँ पे अचार मिल जाएगा, और यहाँ पे हमारा चिकन आ चुका है, 2 बड़े बड़े यहाँ पे पीस आपको मिल जाएगा चिकन का, और चिकन काफी ज्यादा गर्म है, और चिकन का यहाँ पे ग्रेवी देख सकते हो आप। चिकन का जो एकदम तर्री है ना, एकदम गाढ़ा सा तर्री है, ये देखो ये हमारे यहाँ पे ग्रेवी आ चुका है चिकन का, गाढ़ा से ग्रेवी आपको यहाँ पे मिलेगा जाएगा। सिर्फ 50 रुपए में चावल दिया जाएगा, प्याज दिया जाएगा, भुजिया दिया जाएगा, और अचार दिया जाएगा। और चिकन से आपने वीडियो में देखा काफी अच्छी तरह से चिकन को बनाया गया है, और चिकन से काफी अच्छी खुशबू आ रही है, और एकदम गाढ़ा सा ग्रेवी यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन का, लटपट वाला ग्रेवी आपको मिलेगा। बहुत सारे जगह पे आप जाते हैं तो वहाँ पे चिकन के नाम पे, अनलिमिटेड के नाम पे एकदम पतला सा पानी वाला ग्रेवी दिया जाता है, लेकिन यहाँ का जो ग्रेवी है एकदम गाढ़ा से ग्रेवी आपको मिलेगा, जैसे आप अपने घर पे बना के खाते हो उस टाइप का। तो अब हम ग्रेवी वाला चावल को टेस्ट करते हैं। चिकन का ग्रेवी सच में काफी बढ़िया है, एकदम गाढ़ा सा है। ये हमारा चिकन आ चुका है, और आप चिकन देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से पका है कि हम इसे छू रहे हैं और ये अलग हो जा रहा है।
तो काफी ज्यादा गर्म है दोस्तों, और चिकन का जो कलर और चिकन का जो ग्रेवी और चिकन का जो खुशबू है वो काफी बढ़िया है। और आसपास यहाँ पे देख सकते हो लोगों का यहाँ पे भीड़ लगना स्टार्ट हो चुका है सुबह के 9-10 बजे से ही। तो अब चिकन को टेस्ट करते हैं। चिकन भी काफी अच्छी तरह से पक चुका है। आपने देखा कि भैया ने लगभग इसे आधे से एक घंटे तक सारे मसालों को भुना। मसाला डालने के बाद चिकन डालने के बाद भी लगभग 30 से 45 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भुना गया है। और लास्ट में जो इस गोटा गरम मसाला जो कूटा हुआ डला ना, उससे इसका स्वाद और भी बढ़ गया, काफ़ी टेस्टी है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा लाइन ना भैया, चिकन का ग्रेवी देख सकते हो, तरवी जो है ना एकदम गाढ़ा सा ग्रेवी आपको मिलेगा यहाँ पे। और हमारे बगल में यहाँ पे देख सकते हैं भैया खा रहे हैं, हमारे बगल में यहाँ पे भैया खा रहे हैं, तो कैसा है भैया? लाजवाब है। लाजवाब तो बोलते हैं सब, आइए टेस्ट करके जाइए। वाह क्या बात है। तो यहाँ का चिकन जो ना लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है, चिकन का ग्रेवी में बहुत दम है, एकदम लटपट सा गाढ़ा सा ग्रेवी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मुझे इस प्राइस रेंज में सिर्फ 50 रुपया में अनलिमिटेड चिकन और चावल शायद ही आपने कहीं खाया हो, इतना बढ़िया चिकन का टेस्ट, इतना बढ़िया चिकन का ग्रेवी आपको यहाँ पे सिर्फ 50 रुपये में दिया जाता है। और ये रामगढ़ जिला का पहला ऐसा होटल है जहाँ पे आपको सिर्फ 50 रुपये में अनलिमिटेड खाना खिलाया जाता है। तो भैया की सोच और उनकी एक पहल को सैल्यूट है जो कि कम प्राइस में यहाँ के लोगों को अनलिमिटेड खाना खिला रहे हैं। मुझे टेस्ट काफ़ी बढ़िया लगा। तो अगर आप भी रामगढ़ से हो या कभी रामगढ़ आते हैं तो एक बार यहाँ के चिकन चावल को जरूर ट्राई करना, या आपने कभी ट्राई किया हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। टेस्ट काफ़ी बढ़िया है, सच में मत हर बाइट में ना काफ़ी अच्छा स्वाद आ रहा है। और मैं इस चिकन की तारीफ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये तारीफ के लिए है, तभी मैं इतना ज़्यादा इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप भी रामगढ़ से हो, कभी रामगढ़ आते हो, एक बार यहाँ के चिकन चावल को जरूर ट्राई करना, या आपने कभी ट्राई किया तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बता। क्योंकि यहाँ पर सारे चीज़ों को आपने देखा, मिट्टी के चूल्हे पर कोयले से बनाया जाता है और सारे मसालों को ना सिलवट्टे पर तैयार किया जाता है। और ये जो होटल है एकदम घास फूस और बांस से बना हुआ है, झोपड़ी वाला होटल है। और इस जगह की लोकेशन की बात करें तो आपको रामगढ़ के कोट मोड़ के पास आना है। इस होटल का नाम है महतो होटल, जहां पे आपको 50 रुपये में अनलिमिटेड चिकन चावल खिलाया जाएगा। टेस्ट काफ़ी बढ़िया लगा और काफ़ी चटपटा सा है, थोड़ा स्पाइसी है। तो मैं फटाफट यहाँ पे अपने चिकन चावल को फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।